हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन करने का क्या प्रोसेस होता है। व्हेन अ पर्सन डिसाइड्स टू कन्वे अ फैक्ट, आइडिया और इमोशंस टू अदर्स, ही सेट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस रोलिंग। तो एक इंसान जब डिसाइड करता है कि मैं अपने विचार, अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस दूसरों के साथ शेयर करूँगा, तो वो कम्युनिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो कम्युनिकेशन की इस प्रोसेस में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट है सेंडर, यानी मैसेज भेजने वाला। द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। द मैसेज कंटेन्स आइडियाज़, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस एटसेट्रा ऑफ अ सेंडर। तो जो इंसान अपना मैसेज आगे भेजता है, अपनी बात आगे दूसरों को कहता है, वो कहलाता है सेंडर। और वो जो मैसेज आगे लोगों के साथ शेयर करता है, उस मैसेज में उसके अपने विचार, अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस छुपे हुए होते हैं। एंड सेकेंड एलिमेंट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग मीन्स टू सेंड अ मैसेज बाय प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग इट, यानी मैसेज को अपने दिमाग में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना। जो भी बात हम दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसे अपने दिमाग में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, फिर उसे आगे भेजना, ये एनकोडिंग कहलाता है। थर्ड एलिमेंट इज मैसेज। द आइडिया और फीलिंग विच वी वॉन्ट टू कन्वे टू अदर्स इज कॉल्ड मैसेज। तो हम अपने जो भी विचार, अपने जो भी फीलिंग दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसे हम मैसेज कहते हैं, वो चीज़ मैसेज कहलाती है। नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट इज रिसीवर। रिसीवर यानी जो हमारे मैसेज को रिसीव कर रहा है, हमारी बात को जो सुन रहा है, वो रिसीवर होता है। द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू रिसीव द मैसेज प्रॉपरली बाय केयरफुली लिसनिंग टू इट। तो जो इंसान उस मैसेज को रिसीव करता है, जो भी इंसान हमारी बात को सुनता है, वो रिसीवर कहलाता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो हमारी बात को, हमारे मैसेज को वो सही ढंग से रिसीव करे। और वो सही ढंग से तभी रिसीव कर सकता है जब वो हमारी बात को केयरफुली, बड़े ध्यान से सुने। एंड फिफ्थ एलिमेंट इज डिकोडिंग। डिकोडिंग इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली। डिकोडिंग का मतलब है कि रिसीवर ने हमारा मैसेज रिसीव कर लिया, और उसके बाद उस मैसेज को उसने सही ढंग से समझा भी। मैसेज को सही ढंग से समझना कहलाता है डिकोडिंग। सिक्स्थ इज फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? इट इज़ द रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। जब रिसीवर हमारे मैसेज को सुन लेता है, उसे समझ भी लेता है, उसके बाद जो वो अपना रिएक्शन देता है, अपना जो रिस्पांस देता है, हमें जो भी वो आंसर देता है, वो रिस्पांस या आंसर या रिएक्शन कहलाता है फीडबैक। ओके, ये सिक्स एलिमेंट्स होते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के। तो इसके एक छोटा सा डायग्राम भी नीचे बनाया है, उसे हम देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन गेट्स कम्प्लीटेड व्हेन रिसीवर गिव्स फीडबैक टू द सेंडर। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन तब कम्प्लीट होता है जब सेंडर अपना फीडबैक, जब रिसीवर जो है अपना फीडबैक सेंडर तो पहुंचा देता है, तब ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। नीचे हम डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले हमने सेंडर बनाया है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट जो है एनकोडिंग वो बनाया है, फिर मैसेज, मैसेज के बाद रिसीवर, फिर डिकोडिंग, डिकोडिंग के बाद फीडबैक, और वहाँ पर हमारा एक डायग्राम कम्प्लीट होता है। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।